G, you answered the question in your question. He's still ACP Jay Dixit. We'll speak, we'll ask Amir to help us to get him promoted. But nahin, third film, he's still in ACP. मुझे पकड़ने के बाद जरूर DCP बन जाएंगे. Well, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी क्योंकि I'm playing a gymnast, तो उसके लिए एक किस्म की फिजिक चाहिए और सर्कस की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग थी. तो इट वॉज हार्ड वर्क, आई हैव टू एडमिट इट वॉज हार्ड वर्क. और काफ़ी एक दो साल तक मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी. जी नो, इट डिडंट इन्फ्लुएंस माय स्क्रिप्ट. आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज फर्स्ट टू राइट व्हाट यू थिंक व्हाट द नेक्स्ट फ्रेंचाइज, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी शुड बी. एंड आई एम वेरी कीन टू डायरेक्ट व्हाट एवर आई राइट. आई थिंक सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस न्यू चेंज. आई होप यू गाइज विल बी इक्वली हैप्पी. I think the challenges that are normal in the making of the of any film, they were the same challenges. Getting Abhishek back in the saddle with me. There were, I mean, it was a pretty good journey, and it was challenging, of course, at most times. पर जब तक उसमें कुछ मेहनत ना हो और जब तक चैलेंज ना हो तो मुझे लगता नहीं कि कुछ काम करने में मजा आता है. स्क्रिप्ट के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूँगा. जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी पहली दफा तो मैं I was really excited. और मैंने धूम 2 नहीं देखी है, लेकिन मैंने धूम 1 देखी थी, मुझे बेहद पसंद आई थी. आई रियली एंजॉयड इट, आई रियली फेल्ट एंटरटेन्ड. समहाउ आई मिस्ड धूम 2. बट जब विक्टर ने मुझे कहानी सुनाई धूम 3 की, तो आई वॉज रियली अमेज्ड के किस तरह से धूम फ्रेंचाइज में भी एक जज्बात लाए हैं और इतने अच्छी तरह से लाए हैं. और जज्बात भी आए हैं, इमोशंस आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका थ्रिल है वो बरकरार रहा है. सो आई रियली एंजॉय द स्क्रिप्ट. वेल, आई थिंक लाइक आमिर सेड अ व्हाइल अगो, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी ब्रॉट अ सर्टेन एज टू धूम, एज यू कैन प्रोबब्ली सी इन द ट्रेलर. धूम 3 हैज गॉट अ बिट मोर इमोशन देन द धूम फ्रेंचाइज इज यूज्ड टू. इट्स अ बिट एजियर. आई हैव हैड फन कैचिंग ऑल 3 एक्चुअली. सो इट्स बीन अ चैलेंज. आई थिंक धूम 1 was made with a different goal in mind. It was, you know, 3 young guys, a young director, a young writer. We were young then, Victor. Yeah. Amir. We set off. Nobody actually thought when we were making Dhoom 1 that it would turn into this huge franchise. And then we came with Dhoom 2, where we needed a larger challenge. And Dhoom 3, the only brief was make it bigger and better. I think we've achieved that. I can't say which one was more difficult to catch. I think they're all different circumstances. So they're all very different. The 3 villains have always been very different from each other. There's no similarity between them. And I really think Amir this time has pushed the envelope beyond what even we thought was possible. And full credit for him for doing that. I think he's done a brilliant job. I said it before we started shooting. I think he's done brilliant, memorable films. I think this will be his biggest and most memorable.